वेलकम टू कैप्टन एजेंट फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हमारा वीडियो लेक्चर है हॉर्टिकल्चर का। किसका है? हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पोमोलॉजी पढ़ा। पोमोलॉजी के अंदर हमने 13 से 14 फ्रूट पढ़े। उसके बाद हमने ऑलरिकल्चर पढ़ा। ऑलरिकल्चर में हमने क्या पढ़ा? 17 वेजिटेबल्स को हमने पढ़ा। इसके बाद हमने फ्लोरिकल्चर पढ़ा। फिर बात करेंगे हम मेडिसिनल प्लांट की, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने 4 प्लांट को पढ़ लिया और आज हम बात करेंगे 5वें नंबर के प्लांट की। आपके 6 प्लांट टोटल सिलेबस में दिए हुए हैं। 5th नंबर पर आता है बेसिल तुलसी और ऑसिमम तुलसा तुलीन अमृत बूटी। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है अधिकतर वो क्या करते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। मतलब फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट, उनको लगता है कि यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा, बाकी ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो यार ऐसा नहीं है, आपको इनको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका मेडिसिनल प्लांट से आता ही आता है और फ्लोरिकल्चर से भी आता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, इनमें जितना समय आपको लगाए उतना समय आपको इनमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब इनमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर आप एग्रोनॉमी कब से स्टार्ट करोगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज इवनिंग को हम यहाँ पर गिलोई पढ़ लेंगे। गिलोई को पढ़ने के बाद में हॉर्टिकल्चर टेस्ट 4 हमारा होगा संडे को। तो भाई आप संडे को बिल्कुल सभी रेडी रहे, शाम को 6 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस में आपका सारा आएगा, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन आपको ऑलेरिकल्चर फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। पोमोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे। जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हॉर्टिकल्चर सिलेबस कंप्लीट तो नहीं होगा पूरा, ठीक है ना। अभी हमने इसमें सिर्फ जो मेजर टॉपिक है वो पढ़े, बाकी बहुत सारा और भी बचा हुआ है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी। अब देखो एग्रोनॉमी में कहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले क्लास में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की, क्या क्या दिया हुआ है, क्या सिलेबस है और क्या क्या हमने पढ़ लिया है। देखो एग्रोनॉमी की 2 क्रॉप है जिनको हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक तो वीट और दूसरा राइस। इन दोनों के वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। आपको लिंक भी दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से अभी से अपना एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दे और टाइम पर कंप्लीट कर ले। एग्रोनॉमी हम पढ़ेंगे मंडे से। आई होप आपको सारे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं तुलसी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर सके। कंटिन्यू आंसर देते रहना। तुलसी की हम बात करें, ये मेडिसिनल प्लांट है, अपने आप में एक अच्छा प्लांट है। इसकी पूजा की जाती है प्राचीन समय से ही, मतलब इसको काफ़ी टाइम पहले से जाना जाता है ग्रंथों में, ऋग्वेद में, इनमें इन सब में इनमें इसका उल्लेख मिलता है। बेसिल इंग्लिश में बोलते हैं, तुलसी हिंदी में बोलते हैं, तुलसी ऑसिमम भी बोलते हैं, तुलसा बोलते हैं, तुलीन बोलते हैं, अमृत ब्यूटी और क्यून ऑफ हर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यून ऑफ हर्ब भी इसको बोला जाता है। क्यों नो फर्ब मतलब है जड़ी बूटियों की रानी। जड़ी बूटियों की रानी किसको बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी को बोला जाता है। बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। तो बॉटनिकल नेम बेसिक आपको याद रखना है, ओसिमम स्पीसीज। इसके अलावा एक स्पीसीज है जो पॉपुलर है, ओसिमम बेसिलिकम है, ठीक है ना। ओसिमम बेसिलिकम, तो आप इसको भी बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये बॉटनिकल नेम है तुलसी का। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है लेमिनिएसी। इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा लेमिनिएसी। आगे हम बात करते हैं ओरिजिन की। तो देखो इसका ओरिजिन कहां पर माना गया है? एशिया, इसका ओरिजिन माना गया है एशिया। आगे बात करते हैं यहाँ पर यूजफुल पार्ट, कौन सा पार्ट इसका यूज में लिया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो देखो इसकी पत्तियों को काम में लिया जाता है, इसका जो तना होता है उसको काम में लिया जाता है, इसकी जड़ों को काम में लिया जाता है, इसके बीज को काम में लिया जाता है, अधिकतर पत्तियों को काम में लिया जाता है और जिनसे तेल भी प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कितना परसेंट तेल प्राप्त होता है। तो यूजफुल पार्ट में हम क्या लिखेंगे? लीफ लिखेंगे, सीड लिखेंगे और रूट लिखेंगे, ठीक है ना। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको काम में लिया जाता है। भाई जैसे हम बात करें, ये तुलसी का पौधा है, ठीक है,
तो तुलसी के पौधे की टहनियों की माला भी बनाई जाती है, आप लोगों को सबको पता होगा, जिसको गले में पहना जाता है। एक तरीके से मतलब तुलसी को डेली पानी डालना, जो तुलसी का पौधा होता है जिसकी पूजा करना, और तुलसी में डेली पानी अगर हम डालते हैं तो एक तरीके से पुनीत का वर्क माना जाता है, मतलब पुण्य का वर्क माना जाता है कि हम पुण्य कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि तुलसी का जो पौधा होता है घर में अगर है तो शुभ माना जाता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, इसमें केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें सिट्रोल पाया जाता है, सिट्रोल मिथाइल, सिट्रोल मिथाइल इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, सिट्रोल मिथाइल हो गया, इसके अलावा हमारे पास एसीटेट, एसीटेट मिथाइल मिथाइल एंड एटीसी एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे केमिकल है। केमिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई, मेडिसिनल प्लांट से बेसिक क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाएगा बोटनिकल नेम का। आगे हम बात करें तुलसी का रस प्लस शहद, तुलसी का रस प्लस शहद अगर इन दोनों को मिलाकर सेवन किया जाता है तो पता है क्या होता है, जो कैंसर रोगी होते हैं, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके उपचार में राहत मिलती है, मतलब उपचार में काम में लिया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, तुलसी का रस प्लस शहद दोनों का सेवन अगर एक साथ किया जाए मिलाकर, तो कैंसर रोगियों के उपचार में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। आगे बात करते हैं वेराइटीज़, तो देखो एक तो वेराइटीज़ है जिनके फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं, एक ऐसी वेराइटीज़ है जिसके फ्लावर ग्रीन कलर के होते हैं। पर्पल कलर की जो वेराइटी है वो है हमारे पास यहाँ पर कृष्णा, कृष्णा तुलसी, कौन सी है, कृष्णा, कृष्णा तुलसी है। और यहाँ पर जो ग्रीन वेराइटी है, ग्रीन फ्लावर वाली, वो है श्री तुलसी, श्री तुलसी। आपसे वेराइटीज़ नहीं पूछी जाती, बस ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है। हम बात करें सोयल कैसी चाहिए, तो देखो सभी प्रकार की सोयल में उग जाती है, लेकिन जल भरना नहीं चाहिए, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेनेज सोयल होना चाहिए जिसका जल निकास अच्छा हो। बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, सैंडी लोम सोइल, सैंडी लोम सोइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जो ड्रेनेज मतलब बढ़िया जल निकास उसका हो, क्योंकि अगर पानी भरेगा तो तुलसी का जो पादप होगा वो गल जाएगा। बात करें प्रोपोगेशन की, तो इसका देखो प्रोपोगेशन सीड के द्वारा भी किया जाता है, प्लस सीड एंड कटिंग दोनों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे तुलसी का पादप है, तुलसी का पादप है, अब इसमें जैसे बीज जो आते हैं ना, सपोज करो इस तरीके से इसके बीज आते हैं, अभी बीज क्या होंगे, यहाँ नीचे गिर जाएंगे तो यहीं से नया पौधा उग जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बीज सबसे बेस्ट है, सीड के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आगे हम बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर क्या होता है भाई, खाद होता है, गोबर की खाद, FYM हम डालेंगे मैन्यूर में, क्या डालेंगे, FYM क्या होता है भाई, फार्म यार्ड मैन्यूर होता है। एक क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है जेट में कि FYM का पूरा नाम, तो फार्म यार्ड मैन्यूर। अभी कितना डालेंगे, तो एक हेक्टेयर की मैं बात करूंगा 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे, कितना डालेंगे, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे। हम बात करें यहाँ पर NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, मतलब मैं बात करूं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर हम डालेंगे 120 60 60 kg प्रति हेक्टेयर। देखो मतलब मेडिसिनल प्लांट में बहुत कम प्लांट है जिनकी मैंने फर्टिलाइजर और मैन्यूर आपको बताया है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाता, बस बेसिक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। सीड रेट की हम बात करें, तो सीड रेट आपसे पूछी जाती है यहाँ पर, सीड रेट जो लेते हैं, अगर मैं बात करूँ एकड़ की ठीक है ना, तो 120 ग्राम सीड लेंगे एक एकड़ के लिए, लेकिन मैं बात करूं हेक्टेयर के लिए, तो हेक्टेयर में हम लेंगे 300 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर, ये इसकी क्या हो जाएगी, सीड रेट हो जाएगी भाई, बहुत हल्के सीड होते हैं इसके। यील्ड की हम बात करें, तो देखो यील्ड में हम पत्तियों की यील्ड अलग देखेंगे, ऑयल की यील्ड अलग देखेंगे। पत्तियों की यील्ड की, पत्तियों की उपज की अगर मैं बात करूँ, तो इससे करीबन हमें 9000 से लेकर 14000 kg लीफ मतलब पत्तियां हमें प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर में। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑयल की, ठीक है ना भाई, इसकी पत्तियों से ऑयल भी प्राप्त किया जाता है, तो ऑयल की करीबन प्राप्ति होती है हमें 10 से 25 लीटर प्रति हेक्टेयर ऑयल की प्राप्ति होती है। इसकी पत्तियों में 0.02% ऑयल की मात्रा होती है, कितनी होती है, 0.02% ऑयल की मात्रा होती है। तो गाइस ये हमारा बेसिक जो था, मतलब एक तरीके से तुलसी से जहाँ से क्वेश्चन आपका पुट अप किया जाता है, हमने यहाँ पर देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको बाद में दोबारा रिवाइज कर सकें। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, बेसिल, तुलसी,
तुलसा, तुलीन, जड़ी बूटी और जड़ी बूटियों की रानी क्यून ऑफ हर्ब किसको बोला जाता है? तुलसी को बोला जाता है। तुलसी के बोटनिकल नेम की हम बात करते हैं तो ओसिमम स्पीसीज आपको याद रखना है, इसके अलावा ओसिमम बेसिलिकम इसका क्या है, एक तरीके से एक वेराइटी आप इसको समझ सकते हैं, एक प्रजाति आप इसको समझ सकते हैं। फैमिली लेमिनिएसी है, परिवार कौन सा हो जाएगा? लेमिनिएसी हो जाएगा। ओरिजन की हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है तो एशिया से इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। यहाँ पर हम बात करें कि इसमें केमिकल कौन कौन सा होता है तो सिट्रोल मिथाइल एसीफेट मिथाइल ये दोनों इसके मुख्य केमिकल है जो पाए जाते हैं, औषधीय गुण के लिए मतलब फेमस है। और शहद प्लस इसके रस को दोनों को मिलाकर खाया जाता है तो कैंसर जैसी बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फायदा मिलता है। इसके अलावा इसको देखो इसकी टी भी बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है भाई, तुलसी वाली चाय, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, टेस्टी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, जो छोटी मोटी बीमारियां होती है वो सब कुछ इससे ठीक होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में इसको काम में लिया जाता है। एक ऐसा पादप है जिसकी पूजा की जाती है मेडिसिनल प्लांट के अंदर, तुलसी की। तुलसी की जो तना होता है तने को काम में लिया जाता है, बीज को काम में लिया जाता है, पत्तियों को काम में लिया जाता है। इसमें तेल पाया जाता है, 0.2% तेल की मात्रा होती है, हेक्टेयर की बात करें तो 10 से 25 लीटर आपको तेल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम तुलसी की वेराइटीज़ देखें तो दो तरीके की वेराइटीज़ है, पर्पल वाली तो आपके पास कृष्णा तुलसी आपको याद रखना है, इसके अलावा ग्रीन की आपको याद रखना है श्री तुलसी। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है तो देखो इम्पोर्टेंट आपके लिए एक तो बोटनिकल नेम है, फैमिली है, ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाता, बाकी ये वाली चीज़ यहाँ से और क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं किया जाएगा। सोइल सैंडी लोम सोइल लेनी है हमें जिसका जल निकास बिल्कुल अच्छे से हो। सीड एंड कटिंग के द्वारा हम प्रवर्धन करेंगे, प्रोपगेशन करेंगे। फार्म यार्ड मेन्यूर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे, एनपीके कितना डालेंगे 120-60 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड रेट पर फोकस करना है आपको, सीड रेट 120 केजी प्रति एकड़ के लिए और 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बीज दर हमें लेनी है। यील्ड की उपज की बात करें तो 9000 से लेकर 14000 केजी पत्तियां हमें प्राप्त होती है। तेल की मात्रा 10 से 25 लीटर प्रति हेक्टेयर तेल की मात्रा प्राप्त होती है। इसके बाद में ऑयल 0.2% हमें प्राप्त होता है। तो गाइस ये हमारा तुलसी का प्लांट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गिलोय, क्या पढ़ेंगे, गिलोय। और जो गिलोय है अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट औषधि है। इसको पढ़ने के बाद में संडे को आपका टेस्ट होगा हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर 4, तो भाई आप बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे, उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो आपके आएंगे सब्जी विज्ञान ऑलरिकल्चर से आएंगे, फ्लोरिकल्चर से आएंगे और मेडिसिनल प्लांट से आएंगे। इससे पहले हमने 3 हॉर्टिकल्चर के टेस्ट पेपर देखे हैं, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख ले, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि टेस्ट किस तरीके से होता है, कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वही मतलब सिस्टम अपनाना है जैसे पहले, आपको 1 से लेकर 40 तक नंबर लिखने हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन अगर 1 सही निकलता है तो टिक मार्क करना है, 2 सही निकलता है तो टिक मार्क करना है, 3 गलत निकलता है तो गलत करना है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि सर हमारे 40 में से 40 क्वेश्चन सही निकले हैं, 40 में से 38 सही निकले हैं। उसके बाद आप मुझे सीट भी सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे। देखो गाइज ये मतलब आप लोगों को ही कॉपियाँ चेक करनी है क्योंकि आपको इससे मतलब पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जिन भी बच्चों के पहले 40 में से जैसे 25 नंबर आए तो उनके अब इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 20 आ रहे हैं, बढ़ना चाहिए आपका कंटिन्यू काटा। अगर जिन बच्चों के पहले 40 में से 35 आए तो उनके 40 में से 40 आने चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें भाई, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छे से जेट, ICAR, BHU, पेट, MP पेट, CG पेट, इन सब के लेवल से आपका पेपर बनाया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो सके। और जल्दी हम एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्रोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, 2 क्रॉप को हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। पढ़ने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं प्लेलिस्ट की। देखो कैप्टन एग्रो चैनल पे मोर देन 500 वीडियोस हैं एग्रीकल्चर के, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी वीडियोस ढूंढने में कि कौन सी वीडियोस कहाँ पर है, तो सबसे बेस्ट जो आपके पास है वो है प्लेलिस्ट। अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री के वीडियोस पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाए एनिमल हस्बेंड्री के पढ़े, अगर आपको हॉर्टिकल्चर के पढ़ने हैं तो आप हॉर्टिकल्चर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, हॉर्टिकल्चर के वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के पढ़ने तो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाओ, एग्रोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाओ, अगर आपको मॉडल पेपर देखने हैं तो मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाओ। अलग अलग प्लेलिस्ट आपके यहाँ पर मतलब डिज़ाइन की हुई है आपके एग्जाम्स को देखते हुए, तो आप प्लेलिस्ट की हेल्प ले, प्लेलिस्ट से आप पढ़े बिल्कुल अच्छे से। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो लोग चैनल पर नए हैं मतलब जो पहली बार आ रहे हैं उन सबका वेलकम है और धन्यवाद है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसके अलावा आपको क्या करना है, मुझे गूगल पे से आपको मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है जितना आप लोगों से हो सके, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, क्योंकि देखो लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस के चलते इफेक्ट सबके ऊपर पड़ा है और यूट्यूब का भी जो रेवेन्यू है 2 महीने से बिल्कुल जीरो है। गाइज अगर आपका मुझे कंटिन्यू सपोर्ट रहेगा तो आपको कंटिन्यू यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कंटिन्यू हम हमारा सिलेबस कंप्लीट तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे टाइम से, क्योंकि यार जितना मेरे पास था उतना मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है। तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, गूगल पे से आप मुझे आपसे जितना हो सके उतना मतलब आप मुझे सपोर्ट करें। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है, 1-2 स्टूडेंट है जो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी यार आप सभी सपोर्ट करें। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते तब भी वहाँ पर आपको पे करना पड़ता, जस्ट यहाँ पे मतलब आपको सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज हम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।